अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरोज़ टेक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आपको जो है कल मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताया था जिसे आप इंस्टेंट विड्रॉल ले सकते हैं, जिसका नाम था वेव वैलेट। तो आज मैं इसको पूरी डिटेल आपको दूंगा कि आप इसका विड्रॉ कैसे ले सकते हैं, इसको स्वैप कैसे कर सकते हैं, इसमें फ़ीस कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा अर्निंग के लिए फ़र्स्ट जो है आपको मैं गेम की तरफ लेकर चलता हूँ। तो यहाँ से जो है हम जाते हैं क्लाइमनो के ऑप्शन, ठीक है। क्लाइमनो पर हम जाते हैं, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। तो यहाँ से देखें, नॉर्मली आपको जो है 2 घंटे बाद यहाँ पे क्लाइम करना होता है ये आप, लेकिन मेरे पास जो अभी टाइम है वो है 4 घंटे बाद। तो ये वजह क्या है, वो जो है यहाँ से लेवल अप करना है। तो जब आप लेवल अप पे क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं आपको उसको दिखा दूँ, ये देखें आप जो है आपको लेवल 3 है मेरा और मुझे 8 घंटे बाद यहाँ से जो है इसको क्लाइम करना होगा, बल्कि 6 घंटे सॉरी, और 6 घंटे बाद जो है मुझे ये एक बार क्लाइम करना होगा तो मुझे ज़्यादा टोकन मिलेंगे और 6 घंटे बाद मुझे टोकन भी ज़्यादा मिलते हैं। नॉर्मली अगर आपको 2 घंटे बाद 2 टोकन मिलते हैं तो मुझे 6 घंटे बाद 6 टोकन मिलेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, उसकी भी मैं आपको वजह बताने लगा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी यहाँ से आपके जो टोकन है ओशियन वाले, उसको आपने यहाँ पर देना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको बाय करेंगे तभी आपको लेवल अप होगा, और या बगैर किसी रेफरल वगैरह के कर सकते हैं। और यहाँ पर सेकेंड जो आपका लेवल अप है उसका मैं आपको बताऊँ, ये भी मैंने बाय कर लिया था, दोबारा से मैं उसको ओपन कर लूँ। अच्छा, तो सेकंड जो है लेवल अप वाला हमारा ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कुछ पेमेंट करेंगे ओशियन टोकन की, तो आपका यहाँ से जो है लेवल अप हो जाएगा। अभी मेरा लेवल 2 है तो मुझे हर घंटे 2 टोकन मिलते हैं, आपको नॉर्मली लेवल 1 पे जो है 1 टोकन मिलता होगा, तो वो भी आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको जल्दी जल्दी भी इसको माइनिंग को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर लेवल 1 वाले ऑप्शन पर हम जाएँगे, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें, तो इसके बाद जो अगर मैं 100 टोकन दूंगा तो मुझे 12 घंटे बाद एक बार क्लेम करना होगा, और इसी तरह जो है इसके लेवल बढ़ते जाएंगे तो 24 घंटे तक मेरा टाइम हाई हो जाएगा, तो मुझे जो है काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी और काफ़ी टोकन भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने आपको चीज़ बताई है। उसके बाद जो है आप लेवल पे अगर जाएंगे, रेफरल पे जाएंगे, तो रेफरल में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है फर्स्ट क्लाइम जो आपको फर्स्ट लेवल रिवार्ड है उसमें 20% आपको उनका कमीशन मिलेगा, और सेकेंड जो है उनका आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 5%। तो लेवल कमीशन भी काफ़ी अच्छा है इनमें, रेफरल कमीशन। अभी जाते हैं इसको आपने विड्रॉ कैसे लेना है। विड्रॉ के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने जो आपको 3 लकीरें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है 3 लाइन्स पे। मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं ऊपर ये जो है, ठीक है, 3 लाइन्स पे आपने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास सीट फ्रेज यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सेट फ्रेज पे जाने के बाद ये आपने कॉपी करने हैं, आप इसको मैंने कल भी बताया था सेव रख लें, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, आपका अकाउंट जो है इसी की मरहूने मेहनत है, जब भी आपसे इसको को देंगे तो आपका वैलेट जो है आपके एक्सेस में नहीं रहेगा, इसको आपने सेव रखना है। तो यहाँ से आप इनको सिंपल कॉपी कर लें, एक को कॉपी करना है, दोनों को कॉपी कर लें, आगे ये हमारे काम आने वाले हैं, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना OKX ओपन कर लेना है। जब आप OKX ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सचेंज का ऑप्शन होता है, एक आपके पास वैलेट का ऑप्शन आता है, तो हमने जाना है वैलेट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे हमने जाना है। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है नेक्स्ट जो इनका वैलेट वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू वैलेट क्रिएट करना है। न्यू वैलेट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है जो आपका अकाउंट 01 शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जो है आपको लास्ट में ऑप्शन नज़र आ रहा है एक वैलेट वाला, ठीक है, ये आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक वैलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहा है इंपोर्ट वैलेट वाला, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आ रहा है और स्टोर कीलेस वैलेट, इंपोर्ट सीट फ्रेज और प्राइवेट की। सेकंड नंबर ऑप्शन है हमारे पास सेट फ्रेज, ऑलरेडी आपको मैंने अभी बताया था कि आपने वहाँ से कॉपी करना है या प्राइवेट की, जो भी आप सेव कर लें। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके करना है, और उसके बाद जो है आपको वही कहेंगे कि आप अपने प्राइवेट की यहाँ पे लगाएं या आपके जो आपके सेट फ्रीज हैं वो यहाँ पे लगा लें। तो वो मैंने कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपके पास नेक्स्ट कंफर्म का ऑप्शन आएगा नीचे जो है आपको ये वाला, ठीक है, आपने इसको कन्फर्म करना है। तो हम यहाँ पर इसको कन्फर्म करेंगे तो आपसे यहाँ पर आपका फिंगर या जो भी आपकी की होगी वो आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये लोडिंग वैलेट लेगा। तो अभी मेरे पास जो है ऑलरेडी पहले 2 वैलेट्स थे, अभी वैलेट C मेरे पास आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरा वैलेट C हो गया, और इस पर मुझे $1 भी शो हो रहा है। तो अभी आप सोचेंगे कि ये $1 कैसे शो हो रहा है। $1 इसलिए मुझे शो हो रहा है कि मेरे वहाँ पर जितने भी कॉइन्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ और भी सेटिंग करनी है, वो भी आपको मैं बताने लगा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है नीचे आपको जो डिस्कवर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है लास्ट कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने
ऊपर आपको डी ऐप का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है, ये वाला, तो आपने यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे आपको मैं एक लिंक दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी इसको भेज चुका हूँ, तो यहाँ पे आप जो है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, वो आपने सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और सर्च कर लेता हूँ, तो ये आपके पास थोड़ी सी लोडिंग लेगा और उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट पेज इस टाइप का ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है आई एक्सेप्ट, हम इसको कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं कंटिन्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सोई का टोकन आ चुका है नीचे, और ऊपर जो है आपके पास USDC, लेकिन हमारा मेन काम जो है वो हमारा ओशन टोकन के साथ है, तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पहले कनेक्ट पे भी क्लिक करना है ताकि आपका वैलेट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम कनेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, तो कनेक्ट के बाद आपके पास OKX का ऑप्शन आ रहा है, ये आपको जो नज़र आ रहा है OKX, तो आपने OKX पे क्लिक करना है, तो आपका वैलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो हमारा वैलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरी सुई जो मेरे वैलेट में थी वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी हमने ओशन टोकन को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ओशन टोकन को इंपोर्ट करने के लिए आपको जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस नीचे मिल जाएगा, आपका जो मेरा जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें आपको जो है ओशन टोकन का आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पर कैसे ऐड करना है। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस आप जैसे ही कॉपी करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और ये जो आपको USDC नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वही कॉन्टैक्ट एड्रेस आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इस टाइप का आपके पास कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा। तो आप देख सकते हैं ओशन टोकन जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है ताकि ये ऐड हो जाए। तो ओशन टोकन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, एक दो बार आपने अगर नहीं होता तो आपने एक दो बार क्लिक करना है और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। ये हमारे पास ओशन टोकन आ चुका है। आपको मैंने बताया था मेरे जो गेम में टोकन थे वो 181 थे, मैं आपको दोबारा से भी दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे गेम में जो है 181.5 टोकन है, वो वहाँ पे मुझे शो हो गए, ऊपर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपके 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी शो हो चुके हैं। अभी हमने क्या करना है, इनको स्वैप करना है। स्वैप के लिए क्या करना है, आपके जितने भी टोकन है जितने आप करना चाहते हैं, मतलब मेरे पास 181 है तो वो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 180 कर लेते, बल्कि 150 कर लेते हैं, ठीक है, हाँ 150 हो गए। 150 के कितने डॉलर बनते हैं, 1.37, या आप इसको कर लें 1.3 कर लें, 1.3 डॉलर की तकरीबन पाकिस्तानी बन जाते हैं 370-380 रुपए। तो आप खुद समझदार हैं कि आपके जो है एक टोकन तकरीबन 2 रुपए के बराबर है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपको स्वैप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है स्वैप वाला बटन, तो हम इसको स्वैप कर लेते हैं। और यहाँ पर आपने दोबारा से स्वैप कन्फर्म स्वैप पर क्लिक करना है दोबारा से, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम दोबारा से कंफर्म स्वैप कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन वाज रिजेक्टेड का एक दो बार इशू आ सकता है, उसकी मेन वजह बहुत ज़्यादा लोड है सर्वर पे, या जो है बहुत ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो आपने एक दो बार ट्राई करना है, आपके टोकन जो है वो स्वैप हो जाएंगे। अगर अभी नहीं होते तो आपके टोकन आपको वापस यहाँ पर मिल जाएंगे, आप उसको घंटा दो बार ट्राई करें, आपको दोबारा से ये मैं दोबारा से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मतलब दोबारा से आप एक बार ट्राई कर लेना तो ये आपके स्वैप हो जाएंगे, या घंटा दो बार ट्राई कर लेना, लेकिन ये टोकन आपके कहीं नहीं जाते। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पे अभी लिस्ट होने का भी इनका इरादा है, तो इंशाल्लाह आपको इनको काफ़ी अच्छी एक्सचेंजेस पे भी सेल कर सकते हैं। मतलब अभी ओशन टोकन आप सेल नहीं कर सकते, स्वैप करना होगा आपको सुई टोकन में, लेकिन बाद में जो है ये ओशन टोकन जो है लिस्टिंग की तरफ जा सकता है। अच्छा, दोबारा मैंने ट्राई किया, आप देख सकते हैं टाइम भी दे सकते हैं, ये मेरे पास जो है ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो चुका है और मुझे जो है ऑप्शन आ चुका है कि आपके जो स्वैप हैं वो कम्प्लीट हो चुका है, या मे बी यहाँ पर और भी टाइम ले तो वो ऑलरेडी, हाँ ये आप देख सकते हैं नीचे पर ये स्वैप पे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो ये जैसे आपके स्वैप होंगे तो आप यहाँ से जो है इसका विड्रॉ उधर ले सकते हैं आपके मेन अकाउंट पे, तो यहाँ पे जो है आपके सुई शो हो जाएंगे। तो हमारा जो बैलेंस था वो मेरा यहाँ पे स्वैप हो चुका है, आपको मैंने दिखाया था 1.22 मेरे ख्याल में मेरे पास पहले थे और अभी जो है 3.3 हो चुके हैं। आपने दो बार स्वैप की ट्राई किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, तो मेरे पास जो है 3.3 डॉलर हो चुके हैं, जबकि वीडियो के दरमियान में मैंने आपको बताया था कि मेरे 1.1 डॉलर थे। तो मतलब ये डॉलर अभी मेरे पास सुई में है, सुई से आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो आपको मैं आगे बताने लगा हूँ। अच्छा, ये बैलेंस नीचे नज़र भी आ रहा है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं 3.6 जो है सुई मेरे पास है, और जिसकी प्राइस 3.33 डॉलर बन जाती है। अभी आपने इसको एक्सचेंज पे कैसे लेकर जाना है, ये अभी हमारे पास वैलेट में, तो इसको आप एक्सचेंज पे कैसे लेकर जाएंगे।
एक्सचेंज पे लाने के लिए आपने एक्सचेंज पे जाना है जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर, क्योंकि एक विलेट होता है, एक एक्सचेंज होता है। क्योंकि हमारे टोकन जो है अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं यूएसडीटी में, तो उसके लिए उसको जो है हमारे पास एक्सचेंज में होना ज़रूरी है। तो हम एसेट्स पे क्लिक करेंगे नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको दिखा या नहीं दोबारा से दिखा दूँ, ये आपको नज़र आ रहा है ठीक है। एसेट्स पे जाएँ, उसके बाद आपने डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर जाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है डिपॉजिट पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद डिपॉजिट क्रिप्टो जो आपको फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आप लोगों को समझाना मकसूद था ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ऊपर आपने सर्च पे जाना है और सुई सर्च करना है, सॉरी मैं इसको यहाँ से, हाँ ये आपके पास सुई आ चुका है ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो हम सुई को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो है उसके बाद एक ही आपके पास डिपॉजिट नेटवर्क आएगा सुई सुई ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेना है। ये हमारे पास सुई का एड्रेस हो गया। अभी हम बैक जाते हैं, थोड़ी बहुत आप लोग ट्रेडिंग भी सीख लें साथ साथ में ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। तो उसके बाद हम दोबारा एक्सचेंज पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे टोकन सॉरी वैलेट पे चले जाते हैं, हमारे टोकन वैलेट में पड़े हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सुई पे क्लिक करना है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सेंड वाले ऑप्शन पर जाना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ठीक है। सेंड पर जाने के बाद आपने वही एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करना है, ये आपका हो गया पेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सुई वाला एड्रेस मैंने कॉपी किया था, यहाँ से हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म के बाद जो है आपके पास ये ऑप्शन आएगा, और उसके बाद जो है आपने इसको जितने भी आप सेंड करना चाहते हैं, मैं यहाँ से इसको 3 सेंड कर देता हूँ क्योंकि कुछ फ़ीस भी मेरे पास होनी चाहिए। तो यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं दोबारा से ठीक है। आपको जो नीचे नेक्स्ट का निशान नज़र आ रहा है, हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ से जो है इसको हम कन्फर्म कर लेते हैं। आपको जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आपको जो फ़ीस है वो ज़ीरो सुई में ही फ़ीस लगेगी, आपको किसी और फीस को डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम इसको नीचे से कंफर्म कर लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ फिंगर हो गया एंड दैट्स इट, आपका ट्रांजेक्शन सबमिट हो चुका है। और थोड़ी ही देर में आपको जो है ओके एक एक्सचेंज में जो है इसका विड्रॉ मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन पे थोड़ी बहुत टाइम यहाँ पे लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है लोडिंग हो रही है, तो आप समझ जाएँ कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाएगा। उसके बाद जो है 300 आपके एक्सचेंज में आ चुके हैं, आपका विड्रॉ आप यहाँ से ले सकते हैं। याद रखेंगे फर्स्ट बार आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी होगी, और ये मेरे बैलेंस वहाँ पर जा चुका है, आप देख सकते हैं डिपॉजिट यहाँ से उधर जा चुका है। फर्स्ट बार आपको थोड़ी सी मसला होगा, आपको टाइम लगेगा, बाकी जो है बार बार आपको कोई इशू नहीं आएगा। बार बार आपको ये सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ एक ही बार ये सेटिंग आपने करनी है। ऊपर से मुझे नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, योर क्रिप्टो इज़ टुवर्ड यूरो, ये देख सकते हैं डिपॉजिट ऑफ 3 सुई इज़ प्रोसेसिंग। तो ये जो है मेरे बल्कि टॉप पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट 3 सुई हैज़ बिन क्रेडिएटेड, ये आप देख सकते हैं मुझे OKX में इसका विड्रॉ आ चुका है। सेम टू सेम आप इसका जो है बिटगेट में भी विड्रॉ ले सकते हैं, बैनांस पे मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन बिटगेट वैलेट आपको चाहिए होगा, और इस टाइप का जो है OKX पे आप जो है इससे विड्रॉ ले सकते हैं। और आपको अगर फ़ीस की ज़रूरत है तो फ़ीस के लिए मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसी पर आपने जाके कॉन्टैक्ट करना है। आपको 50 रुपये की मैक्सिमम फर्स्ट टाइप जो आपको फ़ीस चाहिए होगी वो यहाँ से बाय कर लें, बाकी जो है आप खुद जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। जब आपके पास सुई टोकन आ जाए तो आप OKX से भी उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए मैं डिपॉजिट का भी आपको इसी वीडियो में बता दूं, लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन आपके सारे मसाइल एक ही में हल हो जाएंगे। तो डिपॉजिट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है सबसे पहले फर्स्ट बार वहाँ से ले लें ताकि आपके लिए ईजी रहे, जो आपको मैंने नंबर प्रोवाइड किया ठीक है। आपको जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है ना, इस पे आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। यहाँ से आप फर्स्ट एक बार फ़ीस लें, फिर आप खुद जो है सुई की फ़ीस खुद ही मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपने ये एड्रेस कॉपी करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ठीक है, ये वाला। यहाँ से आप देख भी सकते हैं मेरा बैलेंस कट चुका है, सुई भी मेरे यहाँ से चले गए हैं मेरे वैलेट में एक्सचेंज पे सॉरी। तो ये एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी करना है सिंपल ठीक है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ये हो गया हमारा कॉपी। और दोबारा से आपने OKX पे जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सुई आ चुके होंगे, तो आप ईजिली आप खुद यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं अपने वैलेट में ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकेंगे, उसके बाद आपने विड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाना है, एसेट्स पर जाने के बाद ठीक है। विड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपने विड्रॉ क्रिप्टो पर क्लिक करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो है आपने यहाँ से सुई सेलेक्ट करना है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ठीक है। और मेरे सुई भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं कि वो आ गए, तो आपने वन चेन वाला करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। और उसके बाद आपने एड्रेस पेस्ट करना है, जो एड्रेस हमने कॉपी किया है गेम से। और विड्रॉ नेटवर्क आपने सुई सेलेक्ट करना है, एक ही आपके पास आएगा। और यहाँ से आप मिनिमम 0.16 कर सकते हैं ठीक है, ये आप विड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद आपने सबमिट करना है, और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। आपको जो है फ़ीस मैं आपको नंबर दोबारा से दे रहा हूँ, यहाँ से आपको मिल जाएगी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।